हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक प्रतिशत फ्रॉम द थ्री एकेडमी मित्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का आज एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। इसके एप्लीकेशंस भी हैं जो आपको बहुत जरूरी है, जिससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। अच्छे तरीके से समझिएगा आप, कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो पूछिएगा। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट है बेटा, चेक टू सी इफ एनी क्वेश्चन इज करेक्ट। हमें डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल फॉर्मूला से पता करना है कोई इक्वेशन सही है या नहीं। अगर कोई इक्वेशन सही है तो उसकी एलएचएस और आरएचएस दोनों सही है और दोनों इक्वल में आएंगे। दोनों कैसे आएंगे बेटा? इक्वल में आएंगे। मीन्स डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। अगर फॉर्मूला सही है तो, अगर इक्वेशन चाहिए तो, समझ रहे हो ना? तो आज हम चेक करते हैं, तो एग्जांपल आपको हमने कोशिश कर रहे हैं समझाने की और आप भी करीब से समझेंगे। बड़ा जैसे मेरे पास है s = b, आपको पता है s है यहां पर डिस्प्लेसमेंट, v है वेलोसिटी, t है टाइम। हम पता करना है कि सही है या नहीं, तो s = bt को सही कैसे करेंगे? तो देखो, s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन क्या होती है? l। v क्या है यहां पे? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा? lt - 1 मीटर पर सेकंड। पता है आपको इसको ऐसे लिखो, l / t। श्योर। और टाइम की क्या होती है? t। तो t से t मर गया, तो l = l। मतलब दोनों साइड की डायमेंशन s = bt में जो डायमेंशन s की है वही डायमेंशन v और t की है। समझ रहे हो ना? v और t को डायमेंशन से निकाला तो l = l। इसका मतलब ये फॉर्मूला मेरा बिल्कुल सही है। समझ रहे हो ना? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर हो रहा ना? जैसे मेरे पास है सेकंड, p = 4t / r। p = 4t / r, ये आप 11th क्लास में ही सेकंड बुक में पढ़ेंगे, जब आपको फ्लड्स के बारे में समझाएंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लड मैं आपको जब समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा। ये p = 4t / r बेटा। p यहां पे है प्रेशर, t है सरफेस टेंशन और r है रेडियस। जब हम बबल्स पढ़ते हैं ना तो उसमें ये आता है सरफेस टेंशन और उसकी रेडियस। बबल्स जब हम पढ़ेंगे, सॉ बबल्स के बारे में, सिंपल बबल्स के बारे में पढ़ेंगे तब वहां आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको फॉर्मूला दिया गया इसको समझा रहा हूं। तो देखो बेटा, प्रेशर का, प्रेशर को क्या लिखते हैं? फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा आपने। प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है वही तो फोर्स होता है। तो F अपॉन A। अब बेटा F की डायमेंशन होती है MLT माइनस 2। एरिया की क्या होती है? L स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ML माइनस T माइनस 2 निकल के आएगा। मतलब प्रेशर का जो आपका डायमेंशन है वो है ML माइनस T माइनस 2। अब आपको निकालना है 4T / r। अगर मेरा ये फॉर्मूला सही होगा तो ये ए डायमेंशन और ए डायमेंशन दोनों आपकी सही निकल के आएगी, इक्वल निकल के आएगी। 40 / r। अब बेटा 4 का तो कांस्टेंट के बिना है, डायमेंशन खुद ही नहीं आपको पता है। अब t को लिखते हैं f / l। t जो सरफेस है, t टाइम नहीं है, t को लिखते हैं यहां पे सरफेस टेंशन। क्या लिखते हैं? सरफेस टेंशन। कई बुक इसको s भी लिखती हैं, आगे आप समझोगे इसको। तो f / l, t को जो सरफेस टेंशन है उसका फार्मूला होता है f / l और r आपकी रेडियस है। अब बेटा f की डायमेंशन mlt - 2, l यहां पे जो आपकी डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, एल हो जाएगा आपका एल। आर भी आपकी डिस्टेंस को, रेडियस भी आपकी डिस्टेंस मीटर में होती है, इसको भी मैं ऐसे नोट करते हैं। एल स्क्वायर से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। देखो दोनों की डायमेंशन कैसे निकल के आ रही है? दोनों की डायमेंशन आपकी इक्वल निकल के आ रही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये कहता है कि चेक करना है किसी को, चेक टू सी इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट। करेक्ट है कि नहीं है बेटा? आज मैं एल हिंदू के लिए आपको दो इक्वेशन दिया हूँ। आपको पता करना है ये सही है इक्वेशन की नहीं, पता करिएगा, समझिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल सेकेंड एप्लीकेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।